ये छोटा ताजमहल है गाइस, ये आके क्या है होटल जैसा है। हमें बहुत प्यारी मस्जिद है गाइस, ये 1800 रियाल पगार है। जो कोई भी रिटर्न ड्राइवर आना चाहता है, रिटर्न ड्राइवर आना चाहता है जिसके पास लाइसेंस हो। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे गाइस। इंशाल्लाह आपके जो स्क्रीन पर जो आ रहा है, अरब ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरा वीडियो हर दिन वॉच करो। हाँ, क्योंकि जॉब्स के बारे में भी अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह कल एक वीडियो अपलोड करूँगा जॉब्स के बारे में। और जो कोई भी सऊदी में काम कर रहा भाई, ठीक है, जो सऊदी से वॉच करता मेरा वीडियो, उसके लिए भी स्पेशल रहेगा वीडियो, कल का वीडियो वॉच करो। और जो कोई भी सपोर्ट कर रहा है उसके लिए शुक्रिया। जो आज डेली डेली वही रूटीन है तो इस वजह से वीडियो नहीं बना। तो आज जो है जा रहा हूँ मैं लेने के लिए बच्चे को, यानी 12:25 हो गया, तो शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ। आप आज का भी रूटीन आप लोगों में शेयर करता हूँ, मेरे लिए सपोर्ट करो गाइस, ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है, इस वजह से पूरा वीडियो वॉच करो बगैर स्किप करें, ठीक है। ये देखो गाइस, ये कितना हाइट पे है, ये राइट साइड जो है नज़र आ रहा है, यह आके एक मदरसा है, स्कूल है, यह राइट राउंड जो भी आसपास है घर है, सब कुछ पूरा नया लुक दे रहे हैं यहाँ इस एरिया में। आजकल थोड़े बहुत लोग वही जो पुराना घर है उसके लिए कोई पेंट कर रहा, या देखो अभी ये जो है ये कंस्ट्रक्शन चल रहा, तोड़ के फिर वापस से बन रहे हैं, ऐसा बहुत सारा चल रहा आजकल सऊदी अरब में। क्योंकि आज ज़्यादातर सऊदी अरब में अभी शिग्गा चल रहा है, यानी अपार्टमेंट बन रहे ज़्यादातर, क्योंकि इन लोगों को फ़ायदा अपार्टमेंट से है। और इधर किराया भी जो है, किराया घर का इधर 1 महीना 2 महीना नहीं, एकदम 6 महीने का पे करना पड़ता है, 6 महीना या 12 महीना ये सिस्टम चलता है इधर पे। हर एक महीने में कोई टाइम लगता करके इसीलिए लेता नहीं, 6 महीना या 12 महीने का पैसा इकट्ठा ले लेते। तो ये सिस्टम है सऊदी अरब का गाइस। सऊदी अरब का जो वीडियो डेली डेली जो अपलोड करता हूँ, इधर का जो है मैं सब कुछ बताता हूँ, मतलब कि इधर का रहन सहन, रहना और इन लोगों का लाइफस्टाइल शेयर करता हूँ, और सऊदी अरब कैसा है। हाँ, व्यूज के साथ साथ है ना, व्यू के साथ साथ सब कुछ मैं बताते रहता हूँ। और थोड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो भी रहते, जो ड्राइवरिंग में काम करने के लिए आना चाहता उसके लिए भी थोड़ा बहुत बताता हूँ कि कैसे आते हैं करके। इंशाल्लाह आज ये भी शेयर करूँगा इस वीडियो में। इंशाल्लाह उधर अगर गया तो मैं, अमर अशरफ के पास अगर गया तो वो कफाला कैसे लेते हैं, ये चीज़ के बारे में भी आप लोगों को शेयर करूँगा, ठीक है। आज ये वीडियो पूरा वॉच करते रहो और मेरे लिए सपोर्ट करो गाइस। और आप लोग फीडबैक भी दो कि मेरा वीडियो कैसे नज़र आ रहा, क्योंकि इंशाल्लाह अगली वीडियो या परसों की वीडियो, ये वीडियो होने के बाद नेक्स्ट वीडियो या उधर का वीडियो, मोबाइल तो मैं चेंज कर दिया, इंशाल्लाह मोबाइल में सेटअप कर लेगा, इंशाल्लाह परसों कल वीडियो डालता हूँ या परसों वीडियो में उसी मोबाइल से नया वीडियो से अपलोड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि डेटा पूरा बैकअप लेके उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। मेन के बाद क्या है, टाइम नहीं मिलता, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा, वरना मुश्किल नहीं है। तो चलो गाइस, आपको मैं मिलता हूँ मदरसे के पास में लड़के के। और गाइस इधर स्कूल का सिस्टम क्या है, इन बच्चों लोगों का संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन आके इन लोगों को नॉर्मल टाइम पे छोड़ते हैं, जैसा आधा दिन के बाद जल्दी ख़त्म हो जाती है ना सैटरडे इंडिया में, ऐसा इन लोगों को थर्सडे के दिन इन लोगों को आधा घंटा पहले छोड़ते, यानी आज जल्दी गाइस। इधर पे बच्चों का सिस्टम जो है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आके एक टाइम रहता, थर्सडे के दिन इन लोगों को आधा घंटा जल्दी छोड़ देते, 1 बजे की जगह 12:30 बजे, यानी 12:30 में छोड़ देते, जैसा इंडिया में सैटरडे के दिन आधा दिन रहता ना, तो ऐसा आज जल्दी छूट जाती। तो अभी आ गया मैं फ़िलहाल मदरसे के पास हूँ, लड़के को लेके इसको ड्रॉप करने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ, ठीक है गाइस। देखते रहो मेरा वीडियो आप लोग, और थोड़ी बहुत पूरा आवाज करो, आज इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है गाइस। आ गए बच्चे को, लड़के को लेके, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में, ठीक है, देखते रहो वीडियो गाइस। ड्यूटी लगी थी मेरे को आज एग्जिट नंबर 14 मैडम के साथ, जो है उसकी माँ के घर आया था, तो इंशाल्लाह उसको उतार दिया। उतारने के बाद फिर रिटर्न जा रहा हूँ, कुछ बच्चों को किधर तो भी लेकर जाना लगता, इसीलिए वहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। चलो देखते रहो आप लोगों को, मैं मिलता हूँ हाईवे पर, ठीक है। रात में बहुत ट्रैफिक, तकरीबन 1.5 घंटा टाइम लग गया आने के लिए, इधर इतनी भीड़ थी, इतनी ट्रैफिक थी आने के लिए,
तो आप लोगों को बताता हूँ। चलो एग्जिट नंबर 14 में बहुत प्यारी मस्जिद है गाइस, ये इधर पे आज भाई करके एक थे पहले, मस्जिद पे आते जाते अभी इंडिया चले गए वो। तो आप लोगों को मैं यही बता रहा हूँ कि एग्जिट नंबर 14 ये आके एक वीआईपी एरिया है, वीआईपी एरिया है, साइलेंट रहेगा और इतने सब जितने भी है घर है सब कुछ बंगले ही नजर आएंगे यहाँ पे, एक भी घर तो यानी अपार्टमेंट नजर नहीं आएगा, पूरा बहुत बड़े बड़े बंगले। देखो ये भी एक बंगला है, ऐसा बहुत बड़े बड़े बंगले नजर आ जाते हैं इधर पे, खाली बंगले हैं। एग्जिट नंबर 14 इस साइड के यानी स्काई जोन है, स्काई जोन के एरिया की तरफ में, तो इतना बड़ा ये है एरिया ये, और साफ सफाई। इधर पे एक पीछे पार्क है माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत पार्क है वो, इतना खूबसूरत है कुछ बोल नहीं सकते, मतलब कि उधर जा नहीं सकता, नहीं तो आप लोगों को उधर भी लेके चलता मैं। तो चलो हमारे को जाना पड़ेगा अभी वापस से इस पर, एग्जिट नंबर 6 पर जाना पड़ेगा, अबू बकर सिद्दीक रोड, ये अपोजिट जो नज़र आ रहा लाइट जो सी लग रहा है ना जो, हाँ ये आके हयात नेशनल हॉस्पिटल है। और गाइस कोई भी आना चाह रहा है, जो कोई भी सऊदी अरब से मेरा वीडियो वॉच कर रहा उनके लिए गाइस नेट जिस किसी को भी चाहिए, इंटरनेट जिस किसी को भी चाहिए, जवी सिम में या सलाम सिम में या मोबाइली में, हाँ इन लोगों को और एसटीसी में, ये चारों में जवी सलाम और एसटीसी और मोबाइल ये चार में और याकूब में जिस किसी को भी इंटरनेट चाहिए, आप लोगों को नंबर आता रहेगा, देखो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करो, आप लोगों को नेट के लिए आप रफ्ता कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है गैस। और एक शॉर्ट्स वीडियो कल इंशाल्लाह डालता हूँ, 1800 रियाल पगार है, जो कोई भी रिटर्न ड्राइवर आना चाहता है, रिटर्न ड्राइवर आना चाहता है जिसके पास लाइसेंस हो, इनवैलिड रहा तभी चलेगा, यानी ख़त्म हो गया तभी लाइसेंस चलेगा, मगर 1800 रियाल पगार है। इस चीज़ के बारे में अगर इंक्वायरी या कुछ भी चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम में, आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप लोग मैसेज करो भाई साहब। और एक बात, बहुत लोग है ना मेरे को काम के लिए बताते हैं, किस चीज़ के लिए भाई काम है तो बोलो, काम है तो बोलो भाई। इंशाल्लाह देखो मेरे जी कोशिश है, मैं करता हूँ, और नए बंदे के लिए फिलहाल ले नए बंदे बहुत मुश्किल है आना, और आने के लिए भी बहुत पैसा लग रहा इस चीज़ के लिए ना, नए बंदे के लिए बहुत पैसा ब्रोकर लोग है ना बहुत लोग खा रहे, और इधर पे है ना सऊदी अभी मांग रहा नहीं नया आदमी, रिटर्न ही मांग रहा। और इंशाल्लाह कंपनी में हराया तो बताता, और कंपनी में मिलेगा तो भी जो शिफ्ट वो देंगे वो करना पड़ेगा भाई, मॉर्निंग शिफ्ट डे ये नहीं कि अपना जो मन जो चाहेगा, जो हमारे को जैसा चाहेगा वैसा आप लोगों को नहीं मिल सकता, कुछ चीज़ चाहिए तो कुछ चीज़ के लिए खोना पड़ता। अगर कुछ पगार के लिए काम करना चाह रहे तो कुछ चीज़ के लिए आप लोगों को सबर करके काम करना पड़ता सऊदी अरब में। कैसा भी ट्रैफिक पूरा जाम हो गया इधर पे, थोड़ा आगे मिलता हूँ। ये राउंड सर्कल कैसे है देखो, इधर पे एग्जिट नंबर 13 पे है, ये राउंड सर्कल है ये, तो यहाँ पे एक ताजमहल जैसा एक ये बना हुआ है, आप लोगों को उसके बारे में आगे बताता हूँ, ठीक है देखते रहो। रात में जो है लाइटिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी रहती है सऊदी अरब में, रात में देखने के लिए बहुत खूबसूरत लगता सऊदी अरब। और ब्रिज देखो बहुत ही ये लगता कि ऐसा खूबसूरत है, रात में ऊपर से जब फ्लाइट से देखते ना खाली लाइट ही नज़र आता, इतना उजाला नज़र आता ना। तो हमारे को जाना थोड़ा लेफ्ट, देखते रहो गाइस आगे मिलता हूँ थोड़ा। गाइस सऊदी अरब में एक छोटा ताजमहल है, जैसे हमारे इंडिया में है ना ऐसा छोटा ताजमहल है, इधर देखो आगे जो नज़र आ रहा ये ताजमहल है, ठीक है देख लो ये थोड़ा आगे, अगर सिग्नल नहीं छूटा तो अच्छा है, आप लोगों को क्लियर नज़र आएगा, अगर ग्रीन हो गया तो सिग्नल मुश्किल है बताने के लिए। ये देख लो गाइस नज़र आ रहा, लोग घुमा के दिखाता हूँ, ये देखो माशाल्लाह क्या खूबसूरत है ये।
ये छोटा ताजमहल है गाइस, ये आके क्या है होटल जैसा है, होटल है। और इधर पे ये भी है, मतलब क्या बोलते हैं वो जो पढ़ते ना, क्या कुछ बोलते हैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी है यहाँ पे। ये छोटा ताजमहल है, बहुत खूबसूरत है। इसके बाजू में लाइब्रेरी है, ये बहुत जबरदस्त प्यारा नजर आता। और इधर जगह भी नहीं, इधर पार्किंग नहीं, मेन बात अगर पार्किंग मिल गई ना तो इधर ही रुका के बता सकता था आराम से। तो इंशाल्लाह कभी अगर इधर आया तो आप लोगों को इस ताजमहल के बारे में पूरा टोटल एक व्लॉग बना के बताऊंगा, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है, तो मेरे को ब्रिज से जाना था, मैं आप लोगों को ताजमहल बताएंगे सऊदी अरब का करके आप लोगों को। इस साइड से लोकल ले लिया, थोड़ा आगे सिग्नल पास होने के पास मिलता हूँ गैस आप लोगों को। गैस मैं आ गया अबू बकर रोड में अभी। गैस आप लोगों के लिए जो है मैं दहरी पर नहीं आया आज, क्योंकि रात का जो व्यू रहता सऊदी अरब का बहुत खूबसूरत रहता, इसीलिए बताएंगे करके ऐसा आ गया। 13 नंबर पे जाके घुस के आ गया, समझो दूसरे रोड पकड़ के आया अभी। मस्त जबरदस्त नजर आ रहा, खाली लाइटिंग ही रहती है नाइट में, बहुत खूबसूरत नजर आता है नाइट के अंदर सऊदी अरब में। तो वो जो मैं बता रहा था ताजमहल बोल के, वहाँ पे जो है ये है पढ़ने का, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वो लाइब्रेरी है वहाँ पे, और होटल है बाजू में, बहुत खूबसूरत है भाई। कभी है ना नाइट में अगर खुद का गाड़ी अगर होगा ना, कफिल के बाद जब काम नहीं करते तो प्रॉपर क्लीन से उधर ही जाके अंदर जाके बना सकते हैं। अभी देखो भरोसा ही नहीं तो आप हमारे को कब ड्यूटी आती क्या, अभी क्या मैडम को छोड़ने के बाद डायरेक्ट बताया कि तू सीधा चले जा वापस। कभी भी मेरे बच्चे जब भी कॉल करते हैं जाके उनको कहीं पर घुमा के ले क्या, ऐसा बोल के है मैडम, इस वजह से रिटर्न निकल गया, ठीक है। आप लोगों को मैं थोड़े आगे मिलता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ट्रैफिक है अभी यहाँ पे, ठीक है। गैस रात के 12 बज रहा, मैं सोचा मैडम को लेकर आने जाना लगता करके, कफिल फ़ोन किया था मैं आते समय लेके आ जाता हूँ करके, ठीक है, बच्चों को लेके आ करके बोला, लेके आके छोड़ दिया बच्चों को जो है। तो आज का ड्यूटी ख़त्म, आज का व्लॉग भी इधर ही ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। गैस आप लोगों को कल इंशाल्लाह एक शॉर्ट्स मिल जाएगा जो जॉब के बारे में, 1800 रियाल के बारे में, ठीक है, एक जॉब है तो इस चीज़ के बारे में क्या करना कैसे करना प्रोसीजर बताऊंगा, ठीक है। तो आप के स्क्रीन पर जो आ रहा अरब ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। शुक्रिया, मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।